राजपुरम में स्कूलों में चलाई जा रही बसों और थ्री व्हीलरों का इतना बुरा हाल देखने को मिल रहा है कि अगर आप स्कूल की छुट्टी होने के बाद किसी भी स्कूल बस या थ्री व्हीलर को रोककर उसमें बच्चों की गिनती करते हैं तो एक बार आपका भी सर चकरा जाएगा कि इतनी भयंकर गर्मी में ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे बसों व थ्री व्हीलरों में कैसे ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। 30 से 40 बच्चों से लबालब भरा कोई भी थ्री व्हीलर अगर भगवान ना करे किसी हादसे का शिकार हो जाए तो आप खुद समझदार हो कि बच्चों का क्या बनेगा। यहाँ अकेले ये बस व थ्री व्हीलर वाले ही इन सब की वजह नहीं है, बल्कि सबसे बड़े बच्चों के दुश्मन बच्चों के माता पिता ही हैं, जो जानबूझकर अपने बच्चों को रोजाना मौत के मुंह में भेज देते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इन बसों व थ्री व्हीलर वालों के खिलाफ राजपुरा ट्रैफिक पुलिस कोई सख्त कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। ज्यादातर बसों व थ्री व्हीलरों के पास ना तो कोई परमिट है और ना ही कोई कागजात, फिर भी यह बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। यह सब नजारा जब न्यूज 89 की टीम ने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो कैमरे को देखकर कुछ थ्री व्हीलर चालक तो मौके से भाग खड़े हुए और कुछ ने थ्री व्हीलर से बच्चों को उतारना शुरू कर दिया। उसके बाद उतारे हुए बच्चों ने न्यूज 89 से बात करते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहिन है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मानस सेवा मिडिल स्कूल। किस में आते हो? ऑटो में। कितने बच्चे होते हैं ऑटो में? 40-50 बच्चे होते हैं। अब क्यों नहीं गए तुम ऑटो में वापस? अंकल आज ज्यादा भीड़ है। अच्छा, रोज इतने होते हैं? हाँ जी। आज वो तुम्हें क्यों नहीं लेके गया? तो अंकल क्यों, वो क्या नाम है, वो बच्चे आज ज्यादा आए थे ना, ये 9th क्लास के भी आ गए थे। अच्छा सारे। फिर तुम कब जाओगे? तुम कैसे जाओगे? हम थोड़ी देर में 40-50 मिनट में चले जाएंगे। बेटा कौन स्कूल में पढ़ते हो? मानव सेवा मॉडल स्कूल। क्या नाम है आपका? रॉबिन। किस स्कूल किस पे आते हो? ऑटो। और जाते किस पे हो? आज क्यों नहीं गए? ऑटो में भीड़ थी। पहले तुम्हें बिठाया था ऑटो में, फिर उतार दिया। अब कौन लेने आएगा तुम्हें? ऑटो वाला आने वाला। ऑटो वाला आएगा? क्यों उतारा? क्यों उतारा? क्यों है? पता नहीं, भीड़ हो रही थी। कितने बच्चे होते हैं? कितने बच्चे होते हैं ऑटो में? पंजाब से होते हैं रोज। ये देखिए इस थ्री व्हीलर को, इसमें बच्चों को कैसे ठूस ठूस कर भरा हुआ है, और ये न्यूज 89 की टीम को देखकर कैसे बच्चों को थ्री व्हीलर से उतार रहा है। ये वो भी देखें जिनके बच्चे ऐसे थ्री व्हीलरों में सवार होकर स्कूल जाते हैं। राजपुरा ट्रैफिक पुलिस के लिए शर्म की बात है, जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बस खाना पूर्ति के लिए 1-2 चलान, बस और कुछ नहीं। ये देखिए ट्रैफिक पुलिस राजपुरा के इंचार्ज सरदार मेंगा सिंह न्यूज 89 से बात करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। बस से थ्री व्हीलर पहले चलते से वहाँ ही चलान भी कर रहे हैं, पर हूँ आज छुट्टी हो करके सोमवार जी कार्रवाई बंद कर देंगे, करा दें कागजी नहीं होंगे तो चलान भी कर देंगे जी। कई बार सर देखने को मिला कैब के ऊपर टेंपरेरी नंबर लिखे हुए हैं, पक्के नंबर नहीं लिखे हुए, उस दिन सरकार को बड़ा चूना लग रहा है। नाले हर बस कैब जो भी हैगा वो पीले रंग की होनी चाहिए है, तो हर बस के उपर एक कंडक्टर होना चाहिए, तो होना ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ DTO ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। सुना आपने सरदार महंगा सिंह जी ने कैमरे के आगे क्या कहा, इंचार्ज साहब कब आप कोई ठोस कार्रवाई करेंगे, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। हम आपको बता दें कि न्यूज 89 की टीम ऐसे मामलों को हमेशा उठाती रही है, आप द्वारा कोई कार्रवाई ना करने की वजह से ही यह सारा मामला न्यूज 89 द्वारा लिखित शिकायत कर SP ट्रैफिक के ध्यान में लाया गया है। अगर SP ट्रैफिक भी आने वाले दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम यह मामला लेकर माननीय हाई कोर्ट जाएंगे, जिसके जिम्मेवार सिर्फ राजपुरा ट्रैफिक पुलिस होगी। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन दिनेश सचदेव, न्यूज 89।